जरूरी कॉल तभी आती है जब आदमी पोटी कर रहा हो। आए हाय, कितने घिनौने हो तुम। अरे बात बताओ, पोटी में फोन लेके कौन जाता है? 50% मर्द ना फोन को पोटी में लेके जाते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं है, सर्वे में पता चला है। तो बाकी के 50% है वो भी तो आदमी है, उनसे कुछ सीख लेते। अरे वो 50% तो वो है ना जिनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी शादी नहीं हुई है, उनका क्या? क्या क्या बोला तुमने? सुकूनी सुकूनी उनके पास तो भाई, वो तो बाहर भी फोन आजादी से सुकून से चला सकते हैं ना। अच्छा। हेलो, हाँ जी। सुकून नहीं मिलता है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। अरे कॉल आ रही थी आपकी। हाँ जी। मम्मी से ना बात हो रही थी मेरी। अच्छा, क्या कह रही थी? बता रही थी पूरे एक साल व्रत रखे थे तुमने शादी से पहले। हाँ रखे तो थे यार। वैसे फल तो तुम्हें मिल ही गया व्रत रखने का, मुझसे शादी जो हो गई, लकी मैन। मिला तो है। अरे मेरा छोड़ो यार, हमारी पड़ोसन मिसेस अरोड़ा के हस्बैंड ने तो यार, मैं सोचता हूँ एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की होगी। नहीं हाँ, क्या क्या बोला तुमने? ये मिसेस अरोड़ा वाला भूत तुम्हारा ज्यादा सिर पे सवार है ना, जो इसे उतार के रख दो, तुम्हारे दिमाग ठिकाने लगा दूंगी मैं। अरे नहीं, आए दिन यही मिसेस अरोड़ा, ये मिसेस अरोड़ा वो। अरे ऐसा मेरे आंखों के सामने, जल्दी निकलो, उड़ो यहां से। खराब है, सारा मूड खराब करके रख दिया। भगवान, तुम्हें याद है मेरी फ्रेंड थी एक आगरा से, जो कॉलेज में भी एमसीए में मेरे साथ थी और यहाँ नोएडा में भी रहती थी। हाँ रहती तो थी यार। तुमने नोटिस किया होगा वो मुझसे बात भी नहीं करती है ना, हमारी ज्यादा बात ही नहीं होती है। क्या नाम था उसका? दीप्ति। हाँ दीप्ति भारद्वाज। हाँ। हाइट 5.6, ब्राउन सिल्की हेयर, और भाई साहब ब्रेड ऑमलेट बड़ा जबरदस्त बनाती थी वो। ऑमलेट कब खाया तुमने? अरे तुम भूल गई, एक बार हमारे यहाँ पे आई थी ना बर्थडे पे, आरू का बर्थडे था, लेट नाइट हो गया था तो तुमने उसको यहीं पे घर में स्टे कर लिया था ना उसने, तब मैं सुबह ऑफिस जल्दी जा रहा था यार, तुम सोई हुई थी, रात को लेट नाइट पार्टी थी तो उसने सुबह सुबह बना दिया था एक ब्रेड ऑमलेट। तुम आज बता रहे हो मुझे ये बात, तो चलो मैं थैंक यू ही बोल देती हूँ उसको। अरे थैंक यू बोलने वाली क्या बात होती है, ऐसा तो मैंने कई बार उसको रात में जोमेटो से पिज्जा चाउमीन नूडल ये सब ऑर्डर किया हुआ है, थैंक यू की क्या बात है। पिज्जा डिलीवर करा रहे हो उसके? 3-4 साल पुरानी बात थी ना वो, अब की क्या, अब तो बातचीत भी नहीं होती तुम्हारी उससे। 14,000 है इसमें तुम्हारे ना, रख देता हूँ। भगवान। सुनो। हाँ? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ। एक शेर कहो ना मेरे लिए। ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, वाह वाह वाह, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पे लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी।